हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी 93.8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दाब दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स ट्रूली सेट की मोटिवेशन मिलता है इस चीज से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चूंकि यस बैंक को शेयर को होल्ड करते हैं, तो मेरा मानना है कि वो लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे। वोडाफोन आइडिया जिनके पास है वो लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं अब चर्चा करने वाला हूँ फिर से यस बैंक का। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वोडाफोन पे मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया है, वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। यस बैंक पे चूंकि मैं डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उसको देखें। अगर आप यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। तो अगर आप चूंकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और या स्ट्रेटेजी चाहते हैं, तो ये सामने वीडियो देखिए। हुआ क्या है यस बैंक में, यस बैंक ने चूंकि एक इसका विवाद सामने आया है, विवाद डिस्प्यूट सामने आ जाए किसका, यस बैंक का और फ्रेंड्स डिश टीवी का। समझ रहे हैं आप, यस बैंक का और डिश टीवी का एक फ्रेंड्स सामने आया है। सीएनबीसी में यस बैंक के चेयरमैन ने क्या बोला, सीएनबीसी आवाज में यस बैंक के चेयरमैन ने ये बोला फ्रेंड्स कि डिश टीवी के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ ये हुआ है कि कुछ फेक ट्रांजैक्शन डिश टीवी के अंदर हुआ है। क्योंकि यस बैंक डिश टीवी के अंदर एक वैलिड स्टेक होल्ड करता है, एक मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है डिश टीवी के अंदर यस बैंक की। फ्रेंड्स बैंक भी पैसे लगाते हैं कंपनियों में, तो उसी तरीके से यस बैंक ने डिश टीवी में पैसे लगा रखे हैं। मैटर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत नहीं है, 1368 करोड़ रुपए का मैटर है, 1368 करोड़ का कुछ फेक ट्रांजेक्शन हुआ है। और फेक ट्रांजेक्शन जिस कंपनी के थ्रू हुआ है वो कंपनी है वाचो। सुनते होगे आप वाचो को, WATCHO। वाचो कंपनी से फेक ट्रांजेक्शन किस कहाँ हुआ है, डिश टीवी के अंदर। ये खड़ा कर दिया मैंने यस बैंक को, ये डिश टीवी को, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हो गया वाचो, ठीक है। वाचो कंपनी ने डिश टीवी के अंदर कुछ 1368 रुपए के कुछ संदेहास्पद कुछ ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वाचो, है ना, तो इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है। यहाँ 1368 रुपए के कुछ ट्रांजेक्शन करे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यस बैंक चूंकि इसमें मेजोरिटी शेयर होल्ड करता है इसके अंदर डिश टीवी के अंदर, तो अब क्या चाहता है यस बैंक कि इसके मेजोरिटी जो डायरेक्टर हैं उनको हटा दिया जाए। यस बैंक ये चाहता है। और यस बैंक ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि फ्रेंड्स डिस्प्यूटेड अमाउंट 1368 करोड़ का है। अगर ये लॉस हुआ तो यस बैंक का प्राइस और नीचे जा सकता है, क्योंकि हालत खराब है ना। ये तो यही हो जाएगा डायलॉग, कौन सा, वो आटा गीला, वो गरीबी में आटा गीला वाला डायलॉग हो जाएगा, है ना। तो ये समस्या यस बैंक में फिर से खड़ी हो गई है एक, क्योंकि ये समस्या। और क्या है, यस बैंक में एक चीज और अच्छा हो गया, जो PLI स्कीम है, PLI स्कीम, ठीक है फ्रेंड, जो कि 16 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बजे मीट करके, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीट हुई 3 बजे, उस दिन बैंक निफ्टी बहुत भागा। रीजन क्या था फ्रेंड्स, एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने कर दिया है कि बैड बैंक लोन। मैं फ्रेंड्स ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसके अंदर, ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि नॉर्मल इंसान किस तरीके से समझ सकता है। बैड बैंक लोन इसमें क्या बोला गया है, 15% और 85%। फ्रेंड्स इनके ऊपर चूंकि यस बैंक सबसे ज्यादा इसके थ्रू बेनिफिट होगा, इस जो 16 तारीख को जो मीट हुई है, यस बैंक को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज से। और क्यों मिलने वाला है, क्योंकि यस बैंक का बाहरी तत्वों से बहुत ज्यादा कर्जा है यस बैंक के ऊपर, इसीलिए इसका शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। जब फ्रेंड्स आया तो 10 रुपए 80 पैसे तक इसका शेयर प्राइस गया, और अभी फ्रेंड्स कितना, 12% 13%, और अभी इस समय करीब 13 रुपए पे फिर से खड़ा हुआ है यस बैंक, ठीक है। इसी वजह से यस बैंक में क्या आ रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट आ रहा है यस बैंक के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके का PLI स्कीम आया है, इसके थ्रू यस बैंक को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है, ठीक है।
तो खुशखबरी किनके लिए है फ्रेंड्स? खुशखबरी उनके लिए है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए खुशखबरी है, ठीक है। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, रुके हैं अभी, आप अभी भी मेरा मानना है फ्रेंड्स 4,500 कंपनियां स्टॉक मार्केट में, अभी रुके हैं आप, कब इन्वेस्ट करें? थोड़ा सा पानी को ठंडा होने देते हैं, मतलब थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको ठहरने देते हैं, इसको, यस बैंक को, उसके बाद इन्वेस्ट करने की फ्रेंड्स सोचिएगा। चलिए बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया पे। वोडाफोन आइडिया में क्या हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि वोडाफोन आइडिया में चल क्या रहा है। वोडाफोन आइडिया फ्रेंड्स 10 रुपए का था ये शेयर, ठीक है फ्रेंड्स, हुआ क्या, गिरते गिरते ये चला गया 4 रुपए 85 पैसे पे इस शेयर का प्राइस, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो यस बैंक का कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से देखिए, ठीक है। पर इसका डिटेल्ड वीडियो मैं लेके आऊंगा, अलग से लेके आऊंगा इसका डिटेल्ड वीडियो। अभी मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं इसमें उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है। 4 रुपए 85 पे आ गया, कितना रुपए का शेयर, 10 रुपए का, ठीक है। और जिन्होंने 5 रुपए से 10 में खरीदा बेचा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, स्पेकुलेट करा बहुत गजब की बात है, ठीक है। लेकिन 4 रुपए 85 पैसे का इसका शेयर प्राइस आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, रीजन था, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जब इस कंपनी का ऑडिट हुआ, जब इस कंपनी का ऑडिट हुआ तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं 3 बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि कंपनी के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? फॉर्सिबल फ्यूचर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अक्रूवल होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होने चाहिए इसके अंदर, क्या? फॉर्सिबल फ्यूचर, मतलब बिजनेस अनंत समय तक चलता रहेगा, ऐसा कंपनी की बैलेंस शीट में देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन चूंकि कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये हर कंपनी में डिस्क्लेमर नहीं देता है, क्यों नहीं देता है? इसलिए डिस्क्लेमर नहीं देता है क्योंकि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये एक प्रेजम्पशन होता है, ठीक है। लेकिन उसको डिस्क्लोजर में तब डालना पड़ता है कि जब वो चीज नहीं होगी, जैसे बिजनेस फॉर्सिबल फ्यूचर तक नहीं चलेगा तो लिखना पड़ता है। ये चीज वोडाफोन आइडिया में लिखी ऑडिटर्स ने, ये चीज ऑडिटर्स ने वोडाफोन आइडिया में लिखी कि फॉर्सिबल फ्यूचर तक इसका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। अभी कुछ समय पहले जो आइडिया के बिरला साहब, उन्होंने बोला था, आइडिया के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला कि मैं वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देता हूँ, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव भी रखा फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि वोडाफोन आइडिया को, मतलब आइडिया को, ठीक है, MTNL को, ये भी गवर्नमेंट की है, ठीक है, और नंबर तीसरा BSNL को, इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए, इंडिया में अल्टीमेटली 3 टेलीकॉम कंपनियां रखो, BSNL हो गई, MTNL हो गई और फ्रेंड्स आइडिया को। ये गवर्नमेंट से बोला कि 17% हिस्सेदारी आनंद, 17% हिस्सेदारी आनंदमय तरीके से अपने चेयरमैन के पास रहने दो, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचने का इन्होंने सोचा, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर, अब ये डिस्प्यूटेड बहुत बड़ा केस है वोडाफोन आइडिया का, कि बहुत ज्यादा यहाँ पर रायता फैला हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इन सब के चलते इसका शेयर प्राइस गिर के आ गया 4 रुपए 85 पैसे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, PLI स्कीम, चूंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, ठीक है, इसकी वजह से मैं यहाँ पार्टी से रिलेटेड मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बिजनेस में पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है फ्रेंड्स, कभी चाय पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं बताऊंगा। एक केस है फ्रेंड्स टाटा कंपनी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा। और वो AS6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से बिलोंग करता है, डेप्रिसिएशन से, बताऊंगा, कभी शांति से चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि चूंकि पॉलिटिकल इशू भी है, अब हुआ क्या, PLI स्कीम आई, है ना। PLI स्कीम के थ्रू क्या किया गया, टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव किया गया, रिवाइवल दिया गया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को इसके थ्रू। देखिए 600 से 500 रुपए तक का चलने वाला एयरटेल अभी चल रहा है 750 रुपए, 750 इन द सेंस कि मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ कि 700 से 750 के बीच में है, ठीक है। अब चूंकि रिवाइवल किसके लिए है, रिवाइवल फ्रेंड्स देखो सही बताएं तो एक अच्छी कंपनी को PLI से मतलब ही नहीं होता है फ्रेंड्स। PLI का देखिए ऑटो सेक्टर के लिए भी आया था, लेकिन आप राजीव राजीव सर की वीडियो पढ़िएगा, जो चेयरमैन है किसके, ऑटो बजाज ऑटो के चेयरमैन है, उन्होंने बोला था कि देखिए भीख गोम, देखो PLI स्कीम अल्टीमेटली क्या है, भीख देना ही है, मैं अगर वल्गर लैंग्वेज में बोल दूँ तो भीख देना ही। तो उसने बोला बंदे ने राजीव ने कि भाई PLI स्कीम से किसी का उद्धार नहीं होना जब तक कंपनी खुद अंदर से अच्छा नहीं करेगी। कंपनी को लगना चाहिए कि यार मुझे भीख क्यों चाहिए, जरूरत क्यों पड़ी भीख की, मतलब हम कंपनी के अंदर अच्छा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कंपनी, राजीव सर ने यही बोला कि
कंपनी को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। पीएलआई के भरोसे या गवर्नमेंट के भरोसे हम पूरी कंपनी को नहीं चला सकते हैं। तो अब क्या या तो ये एक विजन होता है बजाज ऑटो, इसीलिए मैं हमेशा बजाज ऑटो को प्रेफरेंस देता हूँ। किसके अगेंस्ट में? हीरो मोटो को। जब भी मेरे से कोई पूछने आता है हीरो मोटो कब खरीदने क्या, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, भाई ग्रोथ ही नहीं कंपनी के अंदर। और पिछले 5 साल का चार्ट उठाइए कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स, ये नीचे जा रहा है ऐसे, है ना। बजाज ऑटो का उठा के देख लो फ्रेंड्स, हिस्ट्री रिपीट, बजाज ऑटो ने हिस्ट्री रिपीट करी है फ्रेंड, है ना। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, अब वोडाफोन आइडिया पे फिर से आते हैं वापस से। वोडाफोन आइडिया 4 रुपए 85 पैसे, अब चूंकि पीएलआई स्कीम है, ठीक है। पीएलआई में क्या हुआ, अगले 4 साल तक के लिए इंसेंटिव आएंगे किसके पास, इसके पास, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर के लिए। आप देखो 4 साल तक तो इस कंपनी को कोई बोलने वाला नहीं, खूब चलेगी बंपर तरीके से, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जब अगला साल आएगा जो फिर से कंपनी के ऑडिट होंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर से इसको विड्रॉ कर लेंगे फॉरसीबल फ्यूचर को, और कर भी लेना चाहिए अब फॉरसीबल फ्यूचर को, क्योंकि कुछ साल तक बढ़ गया है इनका, ऊपर से जो खतरे की घंटी लटक रही थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया में फिर से ट्रेंड इंटैक्ट हो गया है वापस से फ्रेंड्स। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना व्यू रख रहा हूँ, एक परसेप्शन कि ऐसा हो सकता है। तो जिनके पास ये शेयर है फ्रेंड्स, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4 साल तक घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, दुख लग रहा हो या पेशेंस नहीं है तो फ्रेंड्स सौदा काट सकते हैं। सौदा काटने में क्या करें, प्रॉफिट छोड़ दें, कॉस्ट निकाल लें, हमेशा यही करना ही चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि जो एंट्री लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर एंट्री लेनी थी ना तो फ्रेंड्स तूफान में कश्ती निकालते, 4 रुपए 85 पैसे में एंट्री लेते। अब जिन्होंने नहीं लिया फ्रेंड्स, रुकें, पानी को ठहरने दें फ्रेंड्स। मेरा से हमेशा कहना है शेयर मार्केट में बस ट्रेन और शेयर्स, जब भाग रहे हो फ्रेंड्स उन पे दाव नहीं लगाना चाहिए, हमेशा गिरने का खतरा रहता है। और फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने शेयर नहीं खरीदा और शेयर ऊपर हो गया, अफसोस होगा कि काश मैं खरीद लेता, लेकिन एक बात याद रखना कि फ्रेंड्स कम से कम आपके पास जो पैसा है वो अभी भी आपकी जेब में है। और स्टॉक मार्केट में 5,500 कंपनियां हैं, 4,500 कंपनियां हैं मोर देन, ठीक है। तो आपको दिक्कत क्या है भाई, दूसरी जगह बैठ लगाएंगे, अल्टीमेटली पैसा तो नहीं डूबा ना, है ना। पर अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स हमेशा है, रोज है। आज से 100 साल पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, 100 साल बाद भी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। तो ये फ्रेंड्स आज मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया यस बैंक के ऊपर और वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो एक और लेकर आऊंगा, पूरा बैलेंस शीट वहां दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पर अभी मैंने एक रिव्यू दिया, यस बैंक में ट्रेंड फिर से इंटैक्ट हो गया है, तो मुझे लगता है 20 रुपए तक के टारगेट यस बैंक से वापस से आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया में अभी ट्रेंड फिर से इंटैक्ट हो गया, 4 साल तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है जिनके पास शेयर है, ठीक है। और हाँ फ्लक्चुएट कर सकता, हो सकता है वापस से 4 रुपए पे आ जाए, ठीक है, हो सकता है यस बैंक वापस से 10 रुपए चला जाए, लेकिन बर्बाद होने पे कगार पे अभी फिलहाल नहीं है यहाँ पर, कोई डरने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी फ्रेंड्स मैं मानूंगा केवल उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो फाइनेंशियली फंडामेंटल से स्ट्रांग हो, और फिर भी फ्रेंड्स और अल्टीमेटली अपने दिल की सुने, क्योंकि मार्केट में अल्टीमेटली होता क्या है फ्रेंड्स, जिसकी लाठी उसकी मैट, मतलब पैसा होना चाहिए आपके पास। अगर पैसा आ रहा है मार्केट में समझ लो आप किंग हैं, और नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स कितना भी नॉलेज हो सब धरा रहता है फ्रेंड्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत।